ग्रह पी बुमराह और मोहम्मद शमी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे दिन के खेल में जहां बाकी बल्लेबाज आउट होते चले गए तो शमी ने मैदान में आकर ऐसे चौके जड़ दिए कि देखकर कोहली तक तो क्या बल्कि द्रविड़ भी हैरान थे। लेकिन कैसे तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही भारतीय टीम सिमट कर रह गई वो सब तो आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में इस मैच को कौन जीतेगा? नीचे कमेंट में उस टीम का नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में इस समय सेंचुरियन के मैदान में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल पूरी तरीके से भारत के नाम था। मैदान में आते ही मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने कमाल कर दिया। जहां राहुल के बल्ले से शतक निकला तो वहीं मयंक अग्रवाल भी 60 रन बना गए। पहले सेशन तक विकेट तक नहीं गिर पाया था, लेकिन फिर मयंक अग्रवाल 60 रन, पुजारा 0 रन और कोहली 35 रन पर आउट हो गए। हालांकि रहाणे ने मैदान में आकर 7 चौके जड़े और 40 रन बना दिए थे। दूसरी तरफ राहुल के भी 122 रन थे। राहुल की नाबाद पारी के चलते भारतीय क्रिकेट टीम 250 पार थी पहले ही दिन में। लेकिन दूसरे दिन के खेल में बारिश ने ऐसी खलल डाली कि एक भी गेंद तक नहीं डाली जा रही थी। इसके बाद बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया और पूरे दूसरे दिन का खेल ही रद्द कर दिया गया। दोस्तों तीसरे दिन के खेल में भारतीय शुरुआत कुछ ऐसी रही कि जिसके बारे में कोई भी नहीं जानना चाहेगा। जहां हम उम्मीद लगाकर बैठे थे कि मैदान पर आकर केएल राहुल 150 नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ देंगे और रहाणे या फिर पंत के बल्ले से शतक जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सका। क्योंकि दोस्तों जहां केएल राहुल रबाड़ा की एक गेंद कर डिको को अपना कैच थमा बैठे तो वही लुंगी एनगिडी ने रहाणे का विकेट लेकर सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। उम्मीद थी कि पंत के बल्ले से कुछ रन निकलते नजर आएंगे, लेकिन वो भी लुंगी एनगिडी का ही शिकार हो गए। कैच आउट होकर पंत चल दिए और उनके खाते में 10 रन तक भी नहीं थे। इसके बाद बल्लेबाजी का सारा दारोमदार अश्विन, शमी और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों पर था, लेकिन दोस्तों ये भी आज कुछ खास नहीं कर पाए। परंतु इसी बीच शमी ने कुछ ऐसा कर दिया कि देखकर सब बेहद ही खुश जरूर हो गए थे। जिस गेंदबाज ने भारत के खिलाफ 5 विकेट का हॉल दर्ज कर दिया था, यानी कि लुंगी एनगिडी, उन्हीं को मोहम्मद शमी ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ डाले। सबसे पहले पारी के 99वें ओवर की चौथी गेंद पर शमी ने आगे बढ़कर नगीडी को बेबाक बल्लेबाजी से ऐसा चौका जड़ा के देखकर सब हैरान थे। शमी ने शॉट इस तरीके से खेला कि मानो वो चौके मारने में एक्सपर्ट हों। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, 101वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा गैप ढूंढकर पॉइंट की तरफ से शमी ने फिर से बल्ला घुमा दिया। फिर क्या था, गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई और शमी ने लंगी एनगिडी को 2 चौके जड़कर भारतीय क्रिकेट टीम को 300 तक पहुंचने में मदद भी दिलाई। दोस्तों केवल शमी ही नहीं, अंतिम पलों में बुमराह और सिराज की बल्लेबाजी ने भी सबका दिल जीता। जहां सिराज भी चौका जड़ चुके थे तो वहीं बुमराह ने तो 3 गेंदों में ही 2 चौके जड़कर 8 रन बना दिए थे। वाकई पारी के 104वें ओवर का है। गेंदबाजी पर थे मैक्रो जेंसन। बुमराह ने नए गेंदबाज का फायदा उठाया और इस ओवर की चौथी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ से चौका जड़ा। इतना ही नहीं, इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी दोस्तों बुमराह ने गैप ढूंढकर मिड ऑफ की तरफ से चौका जड़ दिया कि मानो बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे हों। और इसी तरीके से दोस्तों जाते जाते भारतीय गेंदबाज भी 30 से 35 रनों का कंट्रीब्यूशन तो मिलाकर भारतीय क्रिकेट टीम को दे ही गए, जिससे कि हमारी टीम 327 तक पहुंच गई थी। लेकिन आप सभी बुमराह, शमी और सिराज की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।